पेज नंबर 2, इज्जत की ज़िंदगी दे, एहसास बंदगी दे, दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले। ए गमजदों के मालिक, तेरा ही है सहारा, सुन ले दुआ हमारी बिगड़ी बनाने वाले। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा, हमको माफ़ करना रहमत लुटाने वाले। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है, सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। इस नज़म के शायर का नाम हाफिज अहमद हुसैन कर्नाटकी है। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कह रहे हैं कि इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, एहसास बंदगी दे, यानी कि दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले, यानी कि दुनिया के जुल्म से, अंधेरों से, तारीकियों से हमको बचाने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है, और इज़्ज़त की ज़िंदगी देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ही है जिसे चाहता है इज़्ज़त की ज़िंदगी देता है, और जिसे चाहता है ज़िल्लत की ज़िंदगी देता है। ऐ गमज़दों के मालिक, तेरा ही है सहारा, ऐ मुसीबत में फंसे हुए लोगों, गम में घिरे हुए लोगों के मालिक, यानी कि अल्लाह ताला, वही तू ही हमारा सहारा है, हम सब तुझे ही पुकारते हैं, सुन ले दुआ हमारी बिगड़ी बनाने वाले, इनके हमारी दुआओं को सुन ले, हमारे सारे काम आसान करने वाले, हमारे तमाम मुश्किलों को हल करने वाले अल्लाह ताला। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा, माफ़ करने वाला है, बेशक तू माफ़ करने वाला है, और तू ही जो है वो, बेशक तू माफ़ करने वाला है, तू ही जो है वो हम सबको माफ़ करता है, हमारी गलती को माफ़ करता है, हमारे ऊपर अपनी रहमत का साया रखता है। हाफिज़ हमारा कोई